हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को शेयर करूंगा कि आप जो है tradingview.com में पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। कोई भी बंदा अगर स्टॉक मार्केट में, कोई भी मार्केट में अगर बिगिनर है, तो पहले उसको पेपर ट्रेडिंग करके प्राइस का मूवमेंट जो उसको अंडरस्टैंडिंग करना पड़ेगा। या फिर कोई भी अगर एडवांस वाला बंदा भी कोई अगर स्ट्रैटेजी को चेक करना चाहता है तो वो पेपर ट्रेडिंग करना चाहेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगा कि ये जो tradingview.com है, यहाँ पर आप लोग पेपर ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ही खास, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए अब मैं इसको एक्सप्लेन करने लगता हूँ। तो ये पेपर ट्रेडिंग करने के लिए सबसे पहले आपको आना पड़ेगा यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू पे, आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे गूगल पे मैंने ट्रेडिंग व्यू टाइप कर लिया है। तो यहाँ पे अगर आप ट्रेडिंग व्यू टाइप करेंगे तो आपको ये वाला यहाँ पे रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो आप यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में ऐसे करके क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे साइन इन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने यहाँ पे साइन इन कर लिया है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करूँगा, चार्ट पे जाऊँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे चार्ट सेक्शन इसका यहाँ पे है। तो चार्ट में जा कर के हम यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये जो चार्ट है यहाँ पे मैं गया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे कुछ वॉचलिस्ट बना के रखा है, जैसे यहाँ पे अलग अलग स्टॉक है, ठीक है यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग को एक्टिवेट करना होगा। तो एक्टिवेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे नीचे यहाँ पे एक सेक्शन मिलेगा ट्रेडिंग पैनल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग का ऑप्शन आएगा। आपको यहाँ पे अलग अलग ब्रोकर्स का नाम भी यहाँ पे शो करेगा। तो आपको पहले यहाँ पे एक पेपर ट्रेडिंग करके ऑप्शन आएगा, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पर आपने क्या किया कि अपने ट्रेडिंग व्यू का जो अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे आपने पेपर ट्रेडिंग वाला जो एप्लीकेशन या तो पेपर ट्रेडिंग वाला जो प्लेटफॉर्म है, इसको आपने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, जब आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ओके, जब आप यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको ये वाला पेपर ट्रेडिंग का सेगमेंट यहाँ यहाँ पे मिलेगा, जहाँ पे अपने पोजीशन को, अपने ऑर्डर्स को, अपने हिस्ट्री को, यहाँ पे सभी चीज़ों को आप यहाँ पे ट्रैक कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे ट्रेड लेके दिखाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे एक ट्रेड लेके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पे अभी हमें यहाँ पे बैलेंस चेक करने पड़ेगा कि मेरे ट्रेडिंग अकाउंट में कितना बैलेंस है। ऑलरेडी आपको ये बैलेंस मिलेगा। तो यहाँ पे इतना बढ़िया सा यहाँ पे अमाउंट है, ठीक है, ये वर्चुअल मनी है, ये रियल मनी नहीं है। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पे जो जितने भी ये PNL होगा, मतलब प्रॉफिट लॉस जो भी दिखाएगा, ये डॉलर में दिखाएगा। यहाँ पे इंडियन करेंसी रुपीस में नहीं दिखाएगा, ये डॉलर में दिखाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे ये निफ्टी का चार्ट ओपन किया है। तो यहाँ पे तो पेपर ट्रेडिंग नहीं होगा क्योंकि इंडेक्स है, ठीक है। तो आपको निफ्टी का फ्यूचर वाला चार्ट ओपन करना पड़ेगा। तो अभी के लिए यहाँ पे मैं टाटा मोटर्स पे चला जाता हूँ। तो टाटा मोटर पे अगर मुझको अगर इसको यहाँ पे सेलिंग करना है या फिर बाइंग करना है, तो मैं इसको यहाँ पे आराम से कर सकता हूँ। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको दो बटन्स दिखेगा, एक ये लाल वाला सेलिंग के लिए है और ये ब्लू वाला बाइंग के लिए है। तो आप यहाँ पे ये बटन्स को क्लिक करके भी बाइंग सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे बाइंग पे क्लिक करता हूँ, तो बाइंग पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे बाइंग के लिए आएगा। अगर मैं यहाँ पे सेलिंग के लिए देखता हूँ, अगर मुझको यहाँ पे शॉर्ट सेल करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो अगर मुझको यहाँ पे सेलिंग करना है तो पहले यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, सब कुछ यहाँ पे, स्टॉप लॉस ऑर्डर, सभी यहाँ पे, सभी टाइप्स का ऑर्डर यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वांटिटी ऐड करना है। जैसे मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे मैं 10,000 क्वान्टिटीज़ को मैं यहाँ पर शॉर्ट सेल करता हूँ, ठीक है। तो ये तो मैंने ये यहाँ पर मार्केट प्राइस पर इसको यहाँ पर शॉर्ट सेल किया। तो शॉर्ट सेल करने के बाद आपको यहाँ पर, हाँ, ये दिखा रहा है, ठीक है। और आपको यहाँ पर ये लाइन जो इसने टिक टिक वाला जो लाइन है, यहाँ पे ये बता रहा है कि आपका जो शॉर्टिंग का प्राइस है वो इस लाइन का है, ठीक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है 297.30 का ही आपका यहाँ पे शॉर्ट सेल किया हुआ प्राइस है। तो अगर आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस टारगेट आप सब कुछ लगा सकते हो तो मैं यहाँ पर सिखाऊँगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पे अगर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे यहाँ पे शॉर्ट सेल किया है, तो मैं यहाँ का अगर स्टॉप लॉस लगाता हूँ तो आपको यहाँ से, मतलब आपका बाइंग का बटन क्लिक करके यहाँ पे स्टॉप लॉस बाय ऑर्डर लगा सकते हो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे जो स्क्रीन है, यहाँ पे आपका जो माउस है उसका आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और यहाँ पे ट्रेड का जो बटन है यहाँ पे आके बाइंग के साइड आपको स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर मुझे 300 का स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है, यहाँ पे स्टॉप पे क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद यहाँ पे मैं
300 टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पे ऑलरेडी क्वांटिटी ऑलरेडी ये आएगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमने पोजीशन बना के रखा है, तो यहाँ पे मुझे क्लिक करना पड़ेगा। तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस के लिए अलग से यहाँ आपको ये लाइन दिखाएगा, ठीक है। तो आपको अगर प्राइस यहाँ इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर हिट हो जाएगा। तो आप इसको ना ये स्टॉप लॉस को ऐसे करके ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी आप इसको मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपको लगा कि स्टॉप लॉस और नीचे लेके आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा यहाँ पे नीचे लेके आना पड़ेगा, या इसे करके आपको ड्रैग करके यहाँ पे ओके करना पड़ेगा, मतलब ये जो मॉडिफाई ऑर्डर में यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे टारगेट लगाना है तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा और ट्रेड में जा करके आपको वो बाइंग वाला लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट के लिए आप लिमिट ऑर्डर लगाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको टारगेट लेना है 294 का, तो आप यहाँ पे 294 का प्राइस यहाँ पे डाल सकते हैं। 294 का प्राइस आपने डाल दिया और उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका टारगेट प्राइस भी दिखाएगा, स्क्रीन पे ही दिखाएगा, ठीक है। अभी तो ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे हमको लॉस दिखा रहा है $60 का, क्योंकि यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी पे काम किया है, ठीक है। तो अगर ये रिवर्स होकर नीचे आना शुरू कर देगा तो हमको यहाँ पे पॉजिटिव में दिखाएगा। देखिए पेपर ट्रेडिंग में आपको यहाँ पे इमोशन नहीं होता है, ठीक है। तो इमोशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है पेपर ट्रेडिंग से ही, तो आप यहाँ पे आराम से कर सकते हो। मैं अभी यहाँ पे दूसरा स्टॉक को पिक कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं बजाज फाइनेंस को पिक कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ एक बार फिर मैं यहाँ पे मैं बाइंग के साइड देखूँगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ एनालिसिस नहीं किया है, ठीक है, बस रैंडमली कुछ हम यहाँ पे ट्रेड्स लेंगे। तो यहाँ पे जा करके बाइंग के साइड यहाँ पे भी मैं 10,000 क्वांटिटी कर लेता हूँ, आप जितना चाहे उतना कर सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे मार्केट ऑर्डर पे जाके इसको यहाँ पे बाइंग के लिए क्लिक कर देना। तो आप देख सकते हो आपने बाइंग के लिए क्लिक कर दिया, तो आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस टारगेट को यहाँ पे लगा सकते हो। अब यहाँ पे मुझको सेलिंग के साइड स्टॉप लॉस लगाना है, तो अगर मुझे यहाँ पे 6,320 का मैं SL लगा देता हूँ, ठीक है, 6,210 का मैं SL लगा देता हूँ, 6,210 का मैंने यहाँ पे SL लगा दिया। तो SL देने के बाद ये नीचे ऐसे दिखाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ का ऊपर का टारगेट भी लगा सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे टाटा मोटर्स पे देख रहे हो, हमारा पोजीशन यहाँ पे चल रहा है, ये नेगेटिव पे चल रहा है क्योंकि अपोजिट जा रहा है, ठीक है। तो जिस हिसाब से आपका डायरेक्शन होगा तो उसी हिसाब से यहाँ पे PNL यहाँ पे शो करेगा, ये आपका USD डॉलर में दिखाएगा। तो अगर मुझे यहाँ पे एक और ट्रेड लेना है, जैसे कि ये पिरामल इंटरप्राइज है, यहाँ पे अगर मुझे एक बाइंग के साइड लेना है तो मैं ट्रेड पे जाऊँगा और मुझे यहाँ पे बाइंग के साइड में यहाँ पे मार्केट प्राइस पे इसको यहाँ पे 10,000 क्वांटिटी में यहाँ पे बाइंग कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली भी एग्जिट कर सकते हो। आप जैसे यहाँ पे देख सकते हैं बजाज फाइनेंस का यहाँ पे जो बाइंग किया है, इसके थोड़ा ऊपर गया है, तो आपको यहाँ पे $12 का $16 का प्रॉफिट दिखा रहा है, ठीक है, $13 का दिखा रहा है। तो आप स्टॉप लॉस को ऐसे ऊपर नीचे करके यहाँ पे ट्रेल भी कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको ट्रेल कर दिया। तो अभी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव चल रहा है, तो टाटा मोटर्स में यहाँ पे देखना पड़ेगा। और अगर यहाँ पे नेगेटिव चल रहा है, ठीक है, तो अगर आप इसको एग्जिट करना है, मतलब ट्रेड को ख़त्म करने से पहले अगर आपको एग्जिट करना है, तो आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको एग्जिट करना है तो आपको डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा और आपका क्लोज पोजीशन करके ये ऑप्शन आएगा, ठीक है, क्लोज पोजीशन करके ऑप्शन आएगा, तो आप डायरेक्टली इसको यहाँ पे क्लोज कर सकते हो। आपने यहाँ पे क्लोज कर दिया और अगर आपने नीचे आ करके ये जो बटन है, ठीक है, यहाँ पे जो बटन अगर यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे अपना पोजीशन दिखाएगा। जैसे कि अभी यहाँ पे टाटा मोटर्स में पोजीशन चल रहा है, यहाँ पे $26 का लॉस है, और बजाज फाइनेंस पे यहाँ पे $6 का लॉस दिखा रहा है अभी $17 का, ठीक है। तो आप अपने ऑर्डर्स का जो भी आपका पेंडिंग ऑर्डर्स है, क्योंकि यहाँ पे टाटा मोटर्स और बजाज फाइनेंस पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर या टारगेट ऑर्डर यहाँ पे लगाया हुआ है, तो यहाँ पे इसको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्ट्री पे जाकर के आप अपने हिस्टोरिकल ट्रेड्स को देख सकते हो, जहाँ पे आपने प्रीवियसली जितने भी ट्रेड्स थे तो यहाँ पे दिखाएगा। तो अकाउंट हिस्ट्री पे भी आपका यहाँ पे कुछ आपका हिस्टोरिकल एक्टिविटीज़ को यहाँ पे दिखाएगा। तो आप यहाँ पे अपने ट्रेड्स को यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है, आपने क्या क्या यहाँ पे चेंजेस लेके आए, कहाँ कहाँ आपने मॉडिफाई किया, सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो ऐसे करके हम पेपर ट्रेडिंग करते हैं, ये बहुत ही बढ़िया है। अगर बिगिनर्स है तो ये पेपर ट्रेडिंग बहुत ही बढ़िया है, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे बैंक निफ्टी में करना है तो मैं बैंक निफ्टी में भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सर्च बॉक्स में जा करके बैंक निफ्टी का फ्यूचर आपको टाइप करना पड़ेगा। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर पे ओके,
यहाँ पे निफ्टी का फ्यूचर आया, तो ठीक है ना, हम निफ्टी पे ही काम करते हैं, ठीक है। तो निफ्टी का जो फ्यूचर है यहाँ पे, मैं करेंट मंथ को यहाँ पे ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे निफ्टी का करेंट मंथ का फ्यूचर आया, ठीक है। तो इसको यहाँ पे अगर मुझे बाइंग की साइड देखना है, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, या यहाँ जा करके मैं इसको बाइंग कर सकता हूँ, या फिर राइट क्लिक करके या बाइंग कर सकता हूँ। अभी के लिए मैं यहाँ पे जाके इसको यहाँ पे बाइंग करता हूँ। और आपको यहाँ पे मैं और कौन जितना चाहे उतना आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे लॉट नहीं आएगा, जैसे कि अगर आप ब्रोकिंग ऐप से करोगे, ठीक है, तो आपको 50 क्वांटिटी मिनिमम दिखाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप एक एक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, यहाँ पे कोई लॉट साइज नहीं आता है, आप जितना चाहे उतना क्वांटिटी यहाँ पे डाल सकते हो। अगर मुझे यहाँ पे इतना क्वांटिटी लेना है, तो मैं यहाँ पे बाइंग ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो बाइंग ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो प्रेस करने का, हाँ आप देख सकते हैं यहाँ पे 85,000 का, ओके 1,00,000, 1,00,000, आप इतना बड़ा प्रॉफिट भी यहाँ पे दिखाना स्टार्ट किया इसने। तो अगर आपको इसको यहाँ पे ओके करना है, तो क्लोज करना है, तो आप यहाँ पे जा करके इसको आराम से क्लोज कर सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो क्लोज करने के बाद हम लोगों ने कितना बुक किया, तो यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। बुक करने के बाद यहाँ पे कितना बुक किया, तो वो जानने के लिए आपको यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नीचे आ करके आप अपने अकाउंट हिस्ट्री पे जा करके यहाँ पे देख सकते हो। अभी अभी यहाँ पे 55,000 डॉलर का यहाँ पे प्रॉफिट बुक हुआ है, ठीक है। तो अभी हमारा रनिंग पोजीशन है वो बजाज फाइनेंस पे, यहाँ पे $70 का प्रॉफिट होना स्टार्ट हो गया, और टाटा मोटर्स में अभी $6 का लॉस चल रहा है, ठीक है। तो आप इसको भी यहीं से भी आप क्लोज कर सकते हो, अगर यहाँ पे बजाज फाइनेंस को क्लोज आप यहाँ कर सकते हो ऐसे ऐसे करके। तो मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, तो आप उसको यहाँ पे आराम से क्लोज कर सकते हो, ठीक है। तो ये बजाज फाइनेंस यहाँ पे क्लोज भी हो गया। अगर आपको टाटा मोटर्स को क्लोज करना है, तो चार्ट पे जाकर भी कर सकते हो, यहाँ यहीं से भी कर सकते हो। जैसे मैं चार्ट पे गया, ठीक है, तो यहाँ पे जा करके मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। मैंने इसको क्लोज कर दिया, क्लोज होने के बाद आपको ये ऑर्डर्स कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, वरना ये ऑर्डर भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आज हमने क्या क्या ट्रेड लिया, वो जानने के लिए आपको अकाउंट हिस्ट्री पे जाना अकाउंट हिस्ट्री पे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे अलग अलग ट्रेड्स यहाँ पे जो अभी हमने लिए, तो यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऑर्डर्स पे जाकर, एक ऑर्डर्स हमारा पेंडिंग है, तो आप इसको यहाँ पे आराम से कैंसिल कर सकते हो इस ऑर्डर को, ठीक है। तो ये रहा पेपर ट्रेडिंग वाला वीडियो, आई होप कि आपको ये वीडियो देखे कुछ समझ में आया पेपर ट्रेडिंग कैसे करते हैं ट्रेडिंग व्यू में। तो अगर आपको ऑप्शन में पेपर ट्रेडिंग करना है, तो उसके लिए अलग सा एक साइट है, तो अगर आप चाहो तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो बना सकता हूँ। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।